कल्चर नो दिस इज फोर्थ फोर्थ इज अबाउट कल्चरल फेस्ट वेस्ट टू वंडर फिफ्थ इज अबाउट प्रैगमैटिक अप्रोच ऑन सिगरेट टैक्स सिक्स्थ है गुरुमुखी के बारे में सेवेंथ है एमजी नरेगा देन हम पढ़ेंगे आर्मी टू तो गेट ऑफिस अंडर वन रूफ नाइन्थ इज अबाउट अ स्लीप एट द व्हील ये रोड सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल है देन टेंथ इज अबाउट यूएस इंडिया मोडर्स विवेंडी एंड एलेवेंथ है जुडिशियल क्लीन अप ऑर्डर्स इट इज अबाउट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसको स्टॉप करने के लिए क्या डिसीजनस लिए हैं देन ट्वेल्थ है त्रिपुरा ब्रू ट्राइब्स और थर्टींथ है इंडिया मालदीव्स फोर्टीन्थ है सुत्रा पिक ये इसको बताया गया है कि ये अनसाइंटिफिक है देन फिफ्टींथ इज अबाउट फॉरेक्स रिजर्व और सिक्सटींथ है मेडिकल डिवाइस ड्रग्स कंप्लायस सो टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 20 to 25 minutes. Let us start. पहला, यहां पे बोला गया है है, कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट, जो Financial Action Task Force है, इसकी दो लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट तो ग्रे लिस्ट में अभी से रखा जाएगा मॉनिटरिंग की जाएगी ब्लैक लिस्ट में अभी नहीं है मीन जो ईरान है ईरान को अभी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है एंटी टेरर फाइनेंसिंग एफ ए टी एफ जो था ये जी सेवन कंट्रीज का इनिशिएटिव है और बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना था 1989 में 2001 से ये टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड इसमें कर लिया गया है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है बाहुबली मूवी में इन्होंने एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाई थी किली की लैंग्वेज जो उसके कैरेक्टर्स ने यूज किया था इसको अभी ऑनलाइन कुछ रिकोगशन मिला है सी हम जानते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये मनाया गया था ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबर को मदर लैंग्वेज डे लैंग्वेज क्या होता है लैंग्वेज का बहुत बड़ा मीनिंग होता है लैंग्वेज से डिसाइड होती है आपकी आइडेंटिटी आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज से पॉसिबल होता है सोशल इंटीग्रेशन आता है लाइक like दो सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन मिलेंगे ना वो आपस में बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे सोशल इंटीग्रेशन आता है देन डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होता है अब अब जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे कोई एक लैंग्वेज या दो तीन लैंग्वेज है ये इतना डोमिनेट करने लग गई हैं कि जो रीजनल मदर टंग्स होती हैं वो आर गोइंग इन टू ऑब्लीवियॉन लॉस्ट इन ऑब्लीवियन खोती जा रही है वो तो लोकल लैंग्वेज फेड हो रही है जैसे इंग्लिश का ऑन स्लॉट हुआ एवरीबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश और जो हमारे लोकल डायलैक्ट थे लोग आजकल उसको भूलते जा रहे हैं देन अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है ट्रेडिशन और जो मेमोरीज होती हैं लोकल डायलैक्ट लोकल लैंग्वेज से वो लोग भूल जाते हैं थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सो so, इस ऑन स्लॉट में हमने ये नोटिस किया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोकल मदर लैंग्वेज को हम इम्पॉर्टेंस दें और उसको प्रिजर्व करके रखें सो दैट इज़ वाई फेब्ररी ट्वेंटी फर्स्ट से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनेस्को ने इसे प्रोक्लेम किया था 1999 में और यू एन ने एक रिजोल्यूशन से इसे एक्सेप्ट किया था 2002 में इस पूरे सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है हमें फैलाना है अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो इस सब डाइवर्सिटी को हमें प्रमोट करना है प्रिजर्व करना है और खुद को उसमें प्राउड फील कराना है इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि यार 100 किलोमीटर में डायलेक्ट चेंज हो जाता है 22 तो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है बट कितनी सारी लोकल लैंग्वेजेस और उनके डायलेक्ट्स हैं हमें प्रमोट करना है मल्टी को देन इंडिया में 22 टू शेड्यूल लैंग्वेज हैं टू एक्सटेंडेड लैंग्वेज हैं और इसके लिए किसके लिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम लाए थे भारत प्रोजेक्ट ये भारत वाणी प्रोजेक्ट का क्या मतलब है इसमें डिजिटाइज किया गया था इन सब लैंग्वेज को जिससे डिजिटाइज हो जाती है ना तो वो फिर दे कैन बी सेव्ड प्रिजर्व्ड डिजिटल uh, फॉर्मेट में परपैचुटी में वो हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं तो ये भारत प्रोजेक्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सो दिस इज अबाउट पेज नंबर वन इसमें थर्टी स्क्वाड्स नेसेसरी कर दिए हैं फॉर अ फ्री प्लेटफॉर्म टिकट एट दिस रेलवे स्टेशन इससे क्या होगा इससे लोगों को फिट इंडिया कैंपेन और फिट रहने के लिए एक इंसेंटिव मिलेगा देन दिस इज पेज नंबर वन पेज नंबर टू है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने गवर्नमेंट को बोला है सीपीसीबी बी टू फाइल रिपोर्ट ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स पेटिशन वॉट इज एन जी टी एन जी टी जो होता है ना वो होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये 2010 में आया था स्टैचुरी बॉडी है जहाँ पर भी स्टैचुरी लिखा होता है ना उसका मतलब है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है ना उसका मतलब होता है कि उससे रिलेटेड सुप्रीम उससे रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है तो एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एन है स्टैचुरी बॉडी वेरज आप देखो जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया तो ये यूपीएससी हो गया दे आर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बिकॉज इनसे रिलेटेड एक आर्टिकल है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो एन जी टी इज़ अ स्टेचुरी बॉडी अच्छा केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन हेल्थ नाउ एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस परटेनिंग टू एनवायरमेंटल इशूज़ ये एन जी टी का काम होता है जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेज हैं उनका एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करें ट्राइब्यूनल जो होते हैं ना वो एक सेट ऑफ केसेस को डील करते हैं फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल का रिलेटेड ट्राइब्यूनल एनजीटी हो गया देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो जाता है सो दिस टाइप देर आर डिफरेंट देन एनसीएलटी सी एल है लॉन लॉ ट्राइब्यूनल है सो so, ऐसे जो ट्राइब्यूनल होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस को देखते हैं आर्टिकल ट्वेंटी जो बोलता है वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये जो एन है ना ये बाउंड नहीं है प्रोसीजर है लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल सी आर के अंदर बाउंड नहीं है मतलब ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है विद इन सिक्स मंथ्स फाइलिंग ऑफ केस ये डिसीजन देता है इसका जो प्रिंसिपल बेंच है नॉर्थ में वो एन है न्यू दिल्ली ये प्रिंसिपल बेंच भी है वेस्ट में है पुणे सेंट्रल में है भोपाल साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता है सो दिस इज़ अबाउट एन देन ये है पेज नंबर थ्री ये ट्रैफिक में देखो यहाँ पे दिस इज़ एक्चुअली थर्ड वन थर्ड वन इज़ दिस थर्ड वन इज़ अबाउट दिल्ली पुलिस वीक अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें रोड सेफ्टी रिलेटेड दे आर टेलिंग यू यूज़ हेलमेट ऑलवेज हेलमेट हमेशा यूज़ करना है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ड्राइव इन योर लेन आपकी जो लेन होती है उसमें ड्राइव करो वरना फेलो पैसेंजर्स को फेलो कार ड्राइवर को बहुत प्रॉब्लम होती है डोंट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग always wear seatbelts avoid triple riding and avoid dangerous driving so this is this uh, advertisement this is about note released by delhi then this is third news item fourth now fourth is this cultural fest begins at waste to wonder park cultural fest hai ye. ये वेस्ट टू वंडर मतलब जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे इन्होंने ये एक बहुत ब्यूटीफुल पार्क बना दिया है वेस्ट टू वंडर फेस्टिवल 2020 ट्वेंटी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है ये सेल्फ सस्टेन भी है और इस पार्क बनाने से इन्हें इनकम जनरेट भी हो रहा है रेवेन्यू आ रहा है तो ये वेस्ट से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा ही और पार्क है चंडीगढ़ में नेकचंद साहब आर्किटेक्ट ने उन्हें बनाया था सो दिस इज़ पेज नंबर फोर लुक एट दिस आउल ये आउल है ना ये देखो इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं मतलब ये आप पहचान नहीं पाओगे कि यहाँ पे एक आउल बैठा हुआ है यहाँ पे देन ये अजमेर में है ये पिक लिया गया है देन दिस इज अडॉप्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑन सिगरेट टैक्स प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल होके सोचना है सिगरेट जो होता है ना ये बहुत हार्मफुल होता है दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ इसको नहीं पीना चाहिए सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इसको बोलती है ये सिन गुड है से कैंसर होता है गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है इसको डिस्करेज करने के लिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें आप देखो स्कल बना होता है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ तो दिस इज अ वे टू रेगुलेट द टू डिस्करेज द पीपल टू तो यूज सिगरेट बट फिर भी पीपल स्मोक करते हैं जो टॉबेको होता है ना ये बहुत बड़ा कैश क्रॉप है ये इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता है गवर्नमेंट्स को ये बहुत ज्यादा लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करता है टू थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ था। पीपल था। और अगर आप सिगरेट पे बैन लगा दोगे तो वो स्मगलिंग हो जाएगा और इससे क्या होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा तो गवर्नमेंट को तो फायदा हुआ ही नहीं इससे उल्टा स्मगलिंग को ये प्रमोट होने लग गया है सो दैट इज़ वाई इन्होंने कहा है ऑल दो योर इंटेंशन आर गुड गवर्नमेंट के इंटेंशन अच्छे हैं बट ये एक्सेसिव टैक्सेशन नहीं करना चाहिए हमें सिगरेट में हमें इनमें प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए प्रैग्मेटिक होके यहाँ बॉडी का नाम है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन बजट 2021 में प्रपोज था नेशनल कैलामिटी कंटेंजेंट ड्यूटी इंडियन फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया एक सोसाइटी है ये बोल रहे हैं कि इससे हम बहुत अफेक्ट होंगे ये एक्स्ट्रा सेस लगाएंगे यहाँ पे एट द सेम टाइम टोरेंशियल और अनसीजनल रेन से भी जो टोबैको की क्रॉप है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो हमें ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट करने लग जाएँ हमें को एक्सपोर्ट में प्रमोशन में हेल्प देना चाहिए इन टोबैको का तो एडॉप्ट On is good, but ये बात है गुरुमुखी की पंजाब गवर्नमेंट साइन बोर्ड टू बी इन गुरुमुखी साइन बोर्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट में होंगे बट जो नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके नहीं बाकी सबके गुरुमुखी क्या है गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट है जैसे ये आप देख रहे हो इंग्लिश एक स्क्रिप्ट है अगर मैं हिंदी में लिखूं सो दिस इज अगेन दिस इज अ स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट है ये सो so, गुरुमुखी इज अगेन स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज है गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये जो स्क्रिप्ट बनाई थी ये बनाई थी गुरु अंगद साहब ने इसको स्टैंडर्डाइज़ किया था ये सेकेंड गुरु थे फिफ्टीन टू फिफ्टीन गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना वो भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है सो दिस इज पेज नंबर फाइव ये पेज नंबर सिक्स है यहाँ पे बात हुआ है एम जी नरेगा का यह अक्सर न्यूज़ में आता है हम इसको तुरंत देखते हैं यह है क्या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 आया था इंडियन लेबर्स लॉ और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रहा है इसमें यह कहा गया कि हर किसी को राइट टू वर्क देना है लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एटलीस्ट हंड्रेड डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए सेकेंड इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में ये सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराने हैं राइट टू वर्क लाइवलीहुड सिक्योरिटी एटलीस्ट हंड्रेड डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रोवाइड करना है और ये प्रोवाइड होना चाहिए हर हाउस होल्ड एडल्ट मेंबर को वॉल्टियर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए अगर वो रेडी है तो इतने सब एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है, है इंपॉर्टेंस को आपको एक मिनिमम वेजेस प्रोवाइड होगी ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस लाइक आपका क्रॉप लॉस हो गया या कुछ भी तरीके के लॉसेस हुए तो उनको कुछ टाइप का इंश्योरेंस कवर मिलेगा ये जो वर्क होता है ना ये फाइव किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए फिफ्टीन डेज तक अगर वर्क नहीं मिला तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा उसके लिए ये लीगल एंटाइटलमेंट रहेगा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो होगा ग्राम पंचायत से सो वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स फ़र्स्ट बेनिफिट इज़ इससे रूरल एसेट्स बन रहे हैं सेकेंड बेनिफिट इज़ इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिल रहा है थर्ड बेनिफिट इज़ इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है आप ये लिस्ट देखो इसमें बहुत सारा वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है और उनसे एक इन्हें स्टेडी इनकम मिल जाती है बाय दिस एम नरेगा देन रूरल अर्बन माइग्रेशन को ये स्टॉप करता है ये एक सोशल इक्विटी की तरह बात करता है इससे एक इंश्योरेंस मिलता है एक शील्ड मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस तो इसके सोशल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटल बेनिफिट्स प्रॉब्लम क्या आती है इसमें मीनियल काम में इनको लगा देते हैं लो क्वालिटी वर्क होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है आप सोशल ऑडिटिंग करा दो दूसरी प्रॉब्लम है कि इसमें फंड्स का एलोकेशन फॉर पास टाइम काफी लो हो रहा है इस बार बजट में भी कट्स हुए हैं दिस एम जी नरेगा में सो दिस इज अबाउट पेज नंबर है दिस इज पेज नंबर एट ये है पेज नंबर नाइन आर्मी टू गेट ऑफिस अंडर वन रूप अभी एक नया बना ना डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इसको हेड करेंगे सी और अभी तक जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो काफ़ी स्कैटर्ड थे तो इससे क्या हो रहा था व्हैक्यूलर मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था फ्यूल कॉस्ट सेव नहीं हो रही थी सो so ये एक थल सेना भवन हम बना रहे हैं ये हाउस करेगा डीएमए को इसको हेड करेंगे सीडीएस और ये लोअर करेगा वेक्यूलर मूवमेंट सेव करेगा फ्यूल कॉस्ट को ये हेल्प करेगा जॉइंटनेस ताकि सारे जो बॉडीज हैं एक जगह आ जाएंगी ना तो इससे जॉइंटनेस आएगी और आर्मी चीफ जो है वो मीन वाइल वो साउथ ब्लॉक में रहेंगे इन प्रॉक्सिमिटी टू पीएमओ एंड डिफेंस मिनिस्ट्री सो दिस इज पेज नंबर नाइन और ये है पेज नंबर टेन ये है एडिटोरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल का आर्टिकल है अ स्लीप एट द व्हील्स अभी एक बहुत डेडली एक्सीडेंट हो गया मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ वाई बिकॉज रोड सेफ्टी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इंडिया में ये बहुत दुख की बात है कंट्री इंजर्ड टू डेथ एंड मेहम ऑन इट्स रोड्स एवरीडे अब ये सेंट्रल से स्टेट में ट्रांस बाईपास हो जाता है रेस्पॉसिबिलिटी और ये भी आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं बट एंड रिजल्ट ये होता है कि जो हमारी रोड्स हैं वो बहुत इनसिक्योर रहती हैं देन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने रोड फैटेलिटीज़ को हाफ करने की बात कही है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे अभी थर्ड ग्लोबल मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी एट स्टॉकहोम में गए थे वहाँ पे भी उन्होंने सेम कमिटमेंट को रीट्रेट किया था अभी बीच में आया था मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि इसमें जो पेनल्टी के प्रोविजन है बहुत ज़्यादा हैं कुछ स्टेट्स ने इसको लगाने से मना कर दिया तो इस पूरी प्रोसेस में जो इस अमेंडमेंट का थीम था ना वो कहीं पे खो गया इनडिफ्रेंस डिले एटीट्यूडनल चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो ड्रॉप होती है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स और रोड पे आप अकेले नहीं होते हो आप इस सामने से आ रहे हो इधर से कोई आ रहा है आपकी गलती का सज़ा ना केवल आपको मिलेगा बट जो सामने से व्हीकल आ रहा है ना दे विल आल्सो पे फॉर योर योर इन डिफरेंस सो दैट इज़ वाई वी नीड टू चेंज दिस हमें ये एटीट्यूडनल चेंजेस लाने की जरूरत है लॉ को अबाइड करना कोई इट्स नॉट अ ये अनकूल है दिस इज़ नॉट कूल लोग सामने ट्रैफिक ऑफिसर को देख के सीट बेल्ट लगा लेते हैं हेलमेट पहन लेते हैं देन दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट कि उन्होंने डॉच कर दिया नो यू आर नॉट स्मार्ट सो इस एटीट्यूडनल चेंजेस को हमें लाने की ज़रूरत है देन प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती है एक्सपेंडिचर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो गए देन इमेजिन लाइफ कैसा होगा सो so, इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट बहुत होती है दैट इज़ वाई ये जो रोड सेफ्टी है दैट इज़ इट इज हाई टाइम की हम इसको ड्यू प्रायोरिटी दें अभी देन दिस इज टेरर इन जर्मनी राइट विंगर्स आर ऑन राइज देन दिस इज फोर्जिंग अंडिया यूएस मोडर्स विवेंडी डोनाल्ड ट्रम्प फोर्टी फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए अभी ये इंडिया आ रहे हैं इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है लाइक like जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये थोड़े कंट्रोवर्सी uh, में रहते हैं बट हमें एक बात समझने की ज़रूरत होती है हम पर्सन को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं हम इम्पॉर्टेंस देते हैं उसकी पोस्ट को और इनकी पोस्ट क्या है इनकी पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ द यू सो दैट इज़ वाई इनको ड्यू हमें रेस्पेक्ट और ड्यू जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वी फॉलो दोज प्रोटोकॉल वी गिव इम्पॉर्टेंस टू द चेयर चेयर को इम्पॉर्टेंस देते हैं पर्सन टू पर्सन नहीं पार्टी टू पार्टी नहीं जो रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए वो होने चाहिए कंट्री टू कंट्री इंडिया एंड यू एस ए इट डजेंट मैटर इंडिया में कौन सी पार्टी पावर में है यू एस ए में डजेंट मैटर अभी डेमोक्रेट्स आएंगे या रिपब्लिकन्स आएंगे वॉट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया यू एस जो रिलेशन हैं दैट शुड गो ऑन राइज सो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में टेन्यर ट्रम्प स्ट्रांग कैंडिडेट है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये वापस जीत के आएंगे अब इसमें ज़रूरी हो जाता है कि हम यू एस के रोल को ड्यू रेस ड्यू रिकोगशन दें एंटी यूएस होने का अभी जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा फेयर ट्रेड रिजीम में एक्सेस ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म स्टेबिलिटी ऑफ अवर रीजन इसके लिए यूएस इनडिस्पेंसेबल है यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपरिहार्य है असीमेट्रिक पार्टनरशिप ऑल दो होती है असीमेट्रिक पार्टनरशिप में निभाना बहुत डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकलिटी अगर देखें तो विंस्टन चर्चल इन्हें काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान माना गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड लेटर इन्होंने भी यू का रोल को रिकॉग्नाइज किया था एक्नोलेज किया था आयरन कर्टन जो स्पीच था अगेंस्ट कॉम्यूनिज्म इसमें यूएस का इंपॉर्टेंस काफ़ी रिफ्लेक्ट हुआ था एंटी अमेरिकनिज्म एटीट्यूड जो हमने लिया है ये अभी कन्वेंशनल विजडम बोलती है देर इज नो पॉइंट इन फॉलोइंग दैट 2008 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे इन्होंने भी यही कह के जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बहुत ग्रैंड वेलकम किया था सो दैट इज़ वॉट आई एम सेंग इट डजेंट मैटर कि विच पार्टी इज़ इन पावर पावर विच विच पार्टी इज़ इन पावर जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं सीट्स में लाइक ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यू एस इज़ वॉट इट मैटर्स इन द एंड अब जो टाइज होते हैं ना इसमें जो टाइज हैं उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने अचीवमेंट्स लिए हैं इन पास्ट कपल ऑफ ईयर्स पहला fundamental military agreement that allows for the sharing of encrypted communication and equipment Comcasa sign hua tha. india. प्रिविलिज कैटेगरी में आया है नाटो के इक्विवेलेंट इन एक्सपोर्ट लॉज टू प्लस टू पार्टनरशिप टू प्लस टू डायलॉग्स होते हैं डिफेंस के और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के हमारे यहाँ का डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वहाँ का डिफेंस फॉरेन अफेयर ये मिलके बातें करते हैं देन इनोग्रेट ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस का ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया इंक्रीज हुआ है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स साइन किया है हमने इंडिया साउथ एशिया में यूएस एस मेरी सिक्योरिटी के इनिशियटिवज़ हुए हैं देन हमारा डायस्पोरा हमारा डायस्पोरा मतलब इंडियन पीपल एन आर आई वो आर लिविंग इन फॉरन कंट्रीज़ तो यू एस में इंडियन डायस्पोरा इज़ डूइंग वेरी वेल अब यू एस को दो चीज़ है उसकी यू एस पॉलिसी में जो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है पहला रिट्रीट फ्रॉम मल्टी लिटरलिज्म मल्टी लिटरलिज्म से रिट्रीट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन भी अब डिक्लाइन पे है और दूसरा बात है राइज ऑफ चाइना तो जो अमेरिकन फॉरन पॉलिसी है ना वो इन दोनों चीज़ों पर पिलर्ड रहेगी अभी दैन दिस इज अबाउट जुडिशियल क्लीन अप ऑर्डर पॉलिटिक्स इसमें लिटमस टेस्ट की तरह है ये जुडिशियल क्लीन अप ऑर्डर ये लिखा है नवीन चावला साहब ने ये सिक्सटींथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इनकी बुक का नाम है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन सो ही इस रिटर्न की अभी रिसेंटली जस्टिस आर एफ नरिमन साहब और एस रविंद्र भट्ट साहब ने एक वर्डिक दिया जिसमें कहा कि अगर कोई भी पॉलिटिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी अगर उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रही है जिसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एवरीवेयर हर प्लेटफॉर्म पे यह देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन कि उसने उसको क्यों सेलेक्ट किया पूरा रिटर्न में एक जवाब दो कि आपने इस जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है तो क्यों किया तो इससे एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा और क्रिमिनलाइजेशन स्टॉप होना चाहिए कम होना चाहिए पब्लिसाइज करो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड टू कॉन्टेस्ट बोथ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन विनेबिलिटी अलोन इज नॉट अ क्राइटेरिया कि वो जीत जाएगा इसलिए वोट दे उसको टिकट दे दिया नो जीतना अलोन इज नॉट जीतना अलोंग सब कुछ नहीं होता है आप कैसे जीते हो ये भी मायने करता है सो दिस इज़ नॉट सफिशियंट 2002-3 में ऑब्लिगेटरी कर दिया था अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेल्फ सोन एफिडेविट देना पड़ेगा अपने क्रिमिनल केसेस का पेंडिंग अगेंस्ट देम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ये बहुत बड़ा अच्छा अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये इनिशिएटिव लिया था अब एक बॉडी है आई एम्स के एक्स प्रोफेसर्स ने बनाया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसकी रिपोर्ट ने बताया कि जो अभी हमारी लोकसभा है ना अभी आज की डेट में सेंटर में उसमें 43 परसेंट एम पीज़ है जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं ये कितने मतलब बड़ी दुख की बात है कि पचास जो एम हैं हमारे वो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके मसल मनी पावर इज़ ऑन राइज बट एक बात और नोट करने वाली है क्रिमिनलिटी के भी दो टाइप होते हैं जैसे आपने कहीं पे किसी पॉलिसी का प्रोटेस्ट किया सीआरपीसी 144 तो आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा और ये केस उतने सीरियस चार्जेस के नहीं होंगे लाइक like डिफेमेशन केस हो जाता है तो वो भी इस 43 परसेंट में काउंटेड होंगे बट दे आर नॉट हीनियस ऑफेंसेस हीनियस ऑफेंसेस लाइक आपने मर्डरर को ले लिया है आपने रेपिस्ट को ले लिया है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलनी चाहिए बात उन्होंने किया है वोटर बिहेवियर का ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो वोट देते हो ना वो मैच्योर वे में देना चाहिए केवल फ्रीबीज में आपको कैरी अवे नहीं होना चाहिए दूसरी बात यह है कि पहले जो एक टाइम था 1980-90 का इरा उसमें क्या था जो बाहुबली थे डॉन टाइप जो लोग थे वो सपोर्ट करते थे कंटेस्टेंट्स को बट अब जो इरा आ रहा है ना उसमें ये बाहुबली खुद ही कंटेस्टेंट्स बन गए हैं हमें एक और टेंडेंसी है हमें रॉबिनुड पसंद आते हैं रॉबिन हुड मतलब जो वॉलेंटरी विजिलेंटी की तरह आएगा और देन गरीबों का मसीहा बनेगा ऐसे काम करेगा बट अगेन रॉबिन हुड कल्चर में भी प्रॉब्लम होती है इन दी एंड अगर देखें ना तो नॉन स्टेट एक्टर्स लॉन्ग टर्म पे नहीं अच्छे रहते हैं दे वी शुड नॉट एनकरेज दिस कल्चर एज वेल देन सुप्रीम कोर्ट ने इसने काफ़ी गुड इनिशिएटिव्स लिया है नोटा का भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था अब जो नेक्स्ट आने वाला है चुनाव वो है बिहार का स्टेट असेंबली और वेस्ट बंगाल इलेक्शंस तो अब ये देखना पड़ेगा कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है हमारी पॉलिटिक्स हमारे वोटर्स कितने मेच्योर लेवल में वर्क कर रहे हैं इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी भी है ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए देन इन त्रिपुरा अ क्लैश अमंग द डिस्प्लेस्ड ये त्रिपुरा में क्या हुआ ये ब्रू ट्राइब के लोग थे ये जो ब्रू ट्राइब रहती थी ना ये रहती थी मोस्टली त्रिपुरा मिजोरम और साउथ असम में ये इधर इन तीन चार स्टेट्स में फैली हुई थी ब्रू ट्राइब जो मिजोरम में रहती थी और मिजोरम में एक और ट्राइब रहती थी जिसका नाम है मिजो ट्राइब तो इनमें ब्रू में और मिजो में लड़ाइयाँ हो गई तो मिजो ट्राइब ने ब्रू ट्राइब को बाहर भगा दिया और ये एज अ रिफ्यूजी रहने लग गए त्रिपुरा में ब्रू वाले मिजोरम में मिजो से लड़ाई होने के बाद बाहर चले गए और एज अ रिफ्यूजी रहने लग गए त्रिपुरा में तो ये ब्रू पिछले 20-25 साल से त्रिपुरा में रह रहे हैं एज अ रेफ्यूजी सरकार ने इनको बोला कि आप वापस मिज़ोरम में बस जाओ कुछ लोग चले गए बट कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया ये लोग जो जाने से मना कर दिया ना जो त्रिपुरा में ही एज अ रेफ्यूजी रह रहे थे उनको सरकार ने वहीं पे अभी रिहेबिलिटेट कर दिया है एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ और उनको त्रिपुरा में ही सेटलमेंट दे दिया ये बहुत अच्छी खबर है बट इसमें दो प्रॉब्लम है ये सेटलमेंट देने से पहला तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया इनका बाहर फ्ली होना जो इन पर रॉन्ग डूइंग्स हुई थी उसका इन्होंने उसको रिकवर रिपेयर नहीं किया उसको एक टाइम ऑफ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मिल गया कि ऑलरेडी अब हम आपको नई जगह पर सेटल कर देंगे तो कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला इसमें ऑल ये प्रैक्टिकल जस्टिस है बट कंप्लीट जस्टिस नहीं है सेकंड, जो त्रिपुरा में इन्हें एस्टेब्लिश किया तो यहाँ के जो नॉन ट्राइबल बंगाली हैं वो बोल रहे हैं इससे तो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो ये उससे ऑब्जेक्शंस लेने लग गए तीसरा एक और इशू यहाँ पे आया कि जो कुछ लोगों ने वापस रीसेटलमेंट का बात मान के वापस ये चले गए थे मिजोरम में वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा कम सेटलमेंट का जो प्रोस्पेक्ट थे वो हल्के मिले और जो नहीं गए उनको आप बेटर डील दे रहे हो तो ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे तीन प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस ब्रू ट्राइब के केसेस में सो दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट अले का मतलब होता है कम करना अले फियर्स ओवर सी ओ डिस्टिल करना फियर को कम करना देन दिस इज़ अबाउट लैंग्वेज ये जुबिनल जस्टिस एक्ट ये बात करना चाहते हैं एवंका और कुश्नर ये डोनाल्ड ट्रम्प की डॉटर हैं शी वु ऑल्सो भी कमिंग टू इंडिया इंडिया मालदीव है अग्रीज टू टेक ऑन टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन मालदीव है कोरल आइलैंड है, Coral Island है ये सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट काउंटर टेररिज्म काउंटर रेडिकलाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ड्रग ट्रैफिकिंग और पोलिसिंग इन सब में हम काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं इन द कमिंग टाइम बीच में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे अब दे आर इम्प्रूविंग ये कल परसों हमने एक न्यूज़ देखा था सुत्रा पिक सुत्रा पिक क्या था इसका नाम था साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउस देसी काउ का हुगा. इसका कुछ 400 साइंटिस्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेटर लिख के कहा है कि ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए दिस इज नॉट दिस इज अनसाइंटिफिक साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस ये फुल फॉर्म है सुत्रा पिक का इसमें पांच थीम्स गवर्नमेंट ने बताई थी पहला यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनस काउज सेकेंड प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ थर्ड इन सबका प्राइम प्रोडक्ट्स फॉर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन फूड और न्यूट्रिशन में और यूटिलिटी आइटम में तो मोटा मोटा हमें इन पांच थीम पे इन काउ की यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है हो सकता है उसको इम्प्रूव करना है तो एंडोर्समेंट हो रहा है यहाँ पे और ये जो साइंटिस्ट हैं ये बोल रहे हैं कि आप अननेसेसरी इसमें अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी हाइप दे रहे हो कि देसी काओ की इतनी ज़्यादा यूटिलिटी होती है दे आर इमेजिनरी क्वालिटीज बट जो एक दूसरा सेक्शन ऑफ साइंटिस्ट है वो बोल रहा है कि दिस इज वर्थ इसी में इसी डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि विल ट्राई टू फाइंड आउट देन दिस इज पेज नंबर थर्टीन एफ ए टी एफ प्लेसेज ईरान ऑन ब्लैक लिस्ट मैंने ये बताया था ना ईरान को ब्लैक लिस्ट में रख दिया है बट पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेगा दैन वायरस केसेज जंप बी ऑन ई पी सेंटर ई पी सेंटर मीन सोर्स होता है जहाँ से सब ओरिजिनेट हो रहा है गोल्ड जंप टू सेवन ईयर हाई ऑन फीयर्स वायरस विल हेल्ट ग्लोबल ग्रोथ बिकॉज गोल्ड ना एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है तो जब भी सेंसेक्स वेंसेक्स में प्रॉब्लम आती है लोग सारा पैसा गोल्ड में डालने लग जाते हैं दैन ट्रीटिंग मेडिकल डिवाइस ऑन पार विध ड्रग्स यहाँ अभी एक नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी भी मेडिकल डिवाइसेज होती हैं फॉर एग्जांपल आपका हार्ट प्लांट्स होते हैं डायग्नोस्टिक लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी सेम कैटेगरी में रखो एज इम्पॉर्टेंट एज ड्रग्स दवाइयों की तरह उनका भी इम्पोर्टेंस है तो ये अब आएंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट नाइनटीन के अंदर अब जो ड्रग मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस एक्शन से कॉम्प्लायंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी लीड टाइम इंक्रीज होगा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे विच वुड नॉट डू गुड टू दिस इंडस्ट्री दे आर सेइंग कि दिस इज ओवर आर्किंग रेगुलेशन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डी पी के अंदर ये आ रहा है तो ये ओवर आर्किंग रेगुलेशन है इसकी ज़रूरत नहीं है अभी बजट में 5 परसेंट हेल्थ सेस भी लगा दिया था सेस हमें पता है ना टैक्स ऑन टैक्स होता है ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है तो 5 परसेंट हेल्थ टैक्स लगाया था इन दीज डिवाइसेस में सो दे आर अपोजिंग दिस मूव देन there is a news on forex reserve here it is this is forex reserve rise to record dollar 476 billion foreign exchange reserve India ka का billion dollars ho gaya hai हो गया है ये बहुत बड़ा है हाईएसट है इसमें क्या होता है होल्डिंग ऑफ कैश बैंक डिपॉजिट्स बॉन्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स ये सारे इंक्लूड होते हैं इस फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें गोल्ड रिजर्व आते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आते हैं फॉरन करेंसी एसेट्स आते हैं आई के और रिज़र्व ट्रांस पोजिशन भी आती है इंडिया की अभी सेवंथ रैंक है पहला है चाइना तीन हज़ार समथिंग जापान है तेरह सौ यूरोप यू है इसको कंट्री नहीं मानते बट यूरोप के पास नाइन ट्वेंटी वन अराउंड है स्विट्जरलैंड के पास एट फोर्टी सिक्स है रशिया फाइव सिक्सटी टू साउदी फाइव हंड्रेड और ताइवान फोर सेवेंटी नाइन और इंडिया है सेवन पोजिशन पर इंडिया का जो रिज़र्व है वो है फोर सेवेंटी सिक्स बिलियन डॉलर्स सो दिस इज़ अबाउट फॉरेक्स रिजर्व और ये है आपका शोकेज दैन दिस इज़ अगेन शोकेज एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स है दिस इज़ स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ चल रही है अभी इंडिया की

त्रिपुरा ब्रू ट्राइब्स के बारे में जाना क्या प्रॉब्लम्स हो रही है जुडिशियल थार वॉज अ न्यूज ऑन यूएस इंडिया मोडस हम हमेशा पोस्ट को मैटर करते हैं दिस वी शुड नो कि ये जो ट्रम्प है वॉट एवर पर्सन ट्रम्प इज ही इज द फोर्टी फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ द यू एस ए वी शुड नॉट इग्नोर दैट देन अ स्लीप एट द व्हील देन दिस इज आर्मी टू गेट ऑफिस अंडर वन रूफ और ये है एम जी नरेगा के बारे में एम जी नरेगा इज़ एसेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस इज़ गुरुमुखी ये जो है ये है प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑन सिगरेट टैक्स ऑल दो जो सिगरेट है ये सिन गुड है इसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन भी लगाती है बट इसके बेनिफिट्स भी हैं रेवेन्यू हो रहा है एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है दैन दिस इज़ एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और फिर हमने देखा कि मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं ताकि जो हमारी लैंग्वेज है इसमें डाइवर्सिटी को हम मैंटेन कर सकें और हमारी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी सो दिस इज़ टूडेज़ न्यूज़ पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर